एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है और आज मैं कंपेयर करने वाली हूँ बॉडी क्यूपिड विटामिन सी फेस पैक एंड ममार्थ विटामिन सी फेस मास्क का। ये दोनों ही प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ करते टाइम मैंने इनमें क्या डिफरेंस नोटिस किए हैं। सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें तो बॉडी क्यूपिड विटामिन सी फेस पैक आता है जार पैकेजिंग में एंड ममार्थ विटामिन सी फेस पैक ट्यूब पैकेजिंग में आता है। बॉडी क्यूपिड फेस पैक का प्राइस है 499 रुपीज़, जिसमें आपको 100 ml प्रोडक्ट मिलता है और आप इसे 24 मंथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ममार्थ फेस मास्क का प्राइस है 99 रुपीज़, जिसमें आपको 25 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है और आप इसे 2 ईयर्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी क्यूपिड का विटामिन सी फेस पैक आता है स्किन ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग के लिए एंड ममार्थ फेस मास्क आता है स्किन इल्यूमिनेशन के लिए। अब मैं आपको इन दोनों फेस पैक एंड फेस मास्क का टेक्सचर दिखाती हूँ। सबसे पहले बॉडी क्यूपिड फेस पैक का टेक्सचर दिखाती हूँ। इसके अंदर इस टाइप की पैकेजिंग में आपको ये फेस पैक मिलता है। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है और फ्रेग्रेंस इसकी माइल्ड है, बट मुझे इसकी फ्रेग्रेंस कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। ये इसका टेक्सचर है। अब मैं आपको ममार्थ फेस मास्क का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये ममार्थ फेस मास्क का टेक्सचर है। दोनों का ही टेक्सचर आप देख सकते हैं। अब मैं ये फेस पैक एंड फेस मास्क आपको मेरे हाफ ऑफ फेस पर अप्लाई करके इनके रिजल्ट में डिफरेंस दिखाती हूँ। मैं मेरे हाफ फेस पर अप्लाई कर रही हूँ ममार्थ का विटामिन सी फेस मास्क। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है और बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। इसमें विटामिन सी एंड काओलिन क्ले है। विटामिन सी हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, स्किन से दाग धब्बों को रिड्यूस करके स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाता है। काओलिन क्ले हमारी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, स्किन को डीप क्लीन करके स्किन से स्किन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है और स्किन को हेल्दी बनाता है। अब मैं मेरे बचे हुए हाफ फेस पर अप्लाई करूँगी बॉडी क्यूपिड का विटामिन सी फेस पैक। इसका टेक्सचर भी बहुत ही क्रीमी है। ममार्थ फेस मास्क से मुझे ज़्यादा क्रीमी लगा इसका टेक्सचर और ये बहुत ईजिली अप्लाई हो रहा है। इसमें भी विटामिन सी एंड काओलिन क्ले है, जिसके बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए। इसके अलावा इसमें मलबेरी एंड लिकोराइस एक्सट्रैक्ट हैं, जो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं। दोनों फेस पैक अप्लाई करने के बाद मैं इन्हें 15 से 20 मिनट तक के लिए रखूँगी और उसके बाद मैं मेरे फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। फेस वॉश करने के बाद मेरी स्किन कुछ ऐसी दिखती है। इस साइड मैंने ममार्थ फेस मास्क यूज़ किया था और इस साइड बॉडी क्यूपिड का फेस पैक यूज़ किया था। दोनों से ही मेरी स्किन पर बहुत ही अच्छा ग्लो आया है, बट ममार्थ फेस मास्क से मेरी स्किन पर ज़्यादा ग्लो आया है कंपैरिजन टू बॉडी क्यूपिड फेस पैक। दोनों ही हमारी स्किन को स्मूथ बनाते हैं, बट बॉडी क्यूपिड से मुझे मेरी स्किन ज़्यादा स्मूथ लगी कंपैरिजन टू ममार्थ, और दोनों से ही स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगती है। ममार्थ फेस मास्क के कंपैरिजन में बॉडी क्यूपिड का विटामिन सी फेस पैक दाग धब्बों को ज्यादा अच्छे से रिड्यूस करता है। दोस्तों, प्रीवियस क्लिप में आपने ममार्थ फेस मास्क एंड बॉडी क्यूपिड फेस पैक के मेरी स्किन पर रिजल्ट देखे। दोस्तों, ये कुछ डिफरेंस थे जो मैंने इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ करते टाइम नोटिस किए, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। हो सकता है आपको इससे अलग रिजल्ट मिले, क्योंकि हर प्रोडक्ट सबके स्किन पर अलग अलग तरीके से काम करता है, तो हो सकता है कि आपको इससे अलग रिजल्ट मिले, बट ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने मेरी स्किन पर नोटिस किए हैं। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप इन दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहें कर सकते हैं। दोनों के ही रिजल्ट अच्छे हैं और दोनों ही प्रोडक्ट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहां से चेकआउट कर लेना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।